मझुआ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जानकारी के मुताबिक नाम निर्देशन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू होगी। 25 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम दाखिल कर पाएंगे। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे, जिसके बाद 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। जिले में कुल 4 लाख मतदाता हैं, जो उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। और निष्पक्ष पारदर्शी निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जो सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, FST टीम, हमारी SST टीम, वीडियो अवलोकन टीम या हमारी मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति, कॉल सेंटर की स्थापना, ये सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हो गई हैं। 1950 हमारा टोल फ्री नंबर है। इसके साथ जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है, विभिन्न शिकायतों को दर्ज कराने के लिए वो सभी भी आपकी चालू रहेंगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो भी सूचना है, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन से संबंधित देना चाहता है तो वहाँ पर दे सकता है, उनमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अधिसूचना लागू होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए जो 397 मझुआ विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 की प्रक्रिया है, वो शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए। कितने संवेदनशील बूथ हैं? 17 क्रिटिकल बूथ है और इसके अतिरिक्त सभी बूथ्स पर हमने EMF की सुविधा और अन्य सभी सुविधाओं का सुनिश्चित किया जा रहा है। वेबकास्टिंग भी सभी बूथों पर की जाएगी, जिसके लिए वैकल्पिक प्रकाश की व्यवस्था और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। पूरे जिले जो आदर्श आचार संहिता समस्त जनपद में प्रभावी रहेगी और मझुआ विधानसभा में चुनाव के साथ मझुआ विधानसभा के साथ साथ समस्त जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी।